नमस्कार, आर्य रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं आज बनाने जा रही हूँ गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 1 कटोरी, 2 टमाटर पिसे हुए, 2 प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तीनों को हमने पीस लिया मिक्सी में। आधी कटोरी दही, बड़ी इलायची और दालचीनी का पाउडर, जीरा, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधी चम्मच चीनी, नमक, थोड़ा सा तेल चाहिए हमें। सबसे पहले हम बेसन का डो तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में बेसन कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे नमक, ऑयल 1 चम्मच, वेजिटेबल ऑयल है हमारा, हम इसमें एक छोटी सी चम्मच बेकिंग सोडा और डाल देंगे। अब इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे पानी की सहायता से। हमारा डो देखिए तैयार हो गया है। हमें इसको डो को हमें टाइट बनाना है। हम इसकी इतनी बड़ी बढ़िया लोई तोड़ लेंगे, देखिए इतनी बड़ी बड़ी। हमने इसकी इतनी लोई तोड़ ली है। हमने हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब इसको हम लंबा लंबा रोल करेंगे। देखिए हमें इतना बड़ा करना है इसको हमें। इस तरह करना है हमें। देखिए हमने सबके रोल बना लिए हैं। अब इसको हम उबालेंगे पानी में। हमने एक बर्तन में पानी गर्म कर लिया है। अब हम सारे रोल इसमें डाल देंगे पानी में। और इनको हम ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए उबाल लेंगे। हमने गट्टों को 15 मिनट पकाया है। देखिए हमारे गट्टे फूल करके बिल्कुल ऊपर आ गए हैं। अब गैस बंद कर देंगे हम। पहले हमने इसको तेज गैस पे उबाला, इसमें उबाल आ गया। फिर हमने गैस मीडियम कर दी और मीडियम गैस पे इसको हमने 10 मिनट के लिए और उबाला है। हमारे गट्टे पक चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे चलनी में और इसके हम पीस काट लेंगे। और जो पानी है इसको हम बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, ये पानी हम इसी सब्जी में ही यूज कर लेंगे। हमने गट्टे इसमें निकाल लिए हैं। अब इसको हम हल्का ठंडा करके फिर इसके हम पीस काट लेंगे और इस पानी को हम रख देंगे। इसी ग्रेवी में ही हम बाद में डाल देंगे पानी को। हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और हमने अपने गट्टे भी काट लिए हैं। अब इन गट्टों को हम गरम तेल में डालेंगे और इनको हम फ्राई करेंगे सुनहरा होने तक। इनको हम फ्राई कर लेंगे सुनहरा होने तक। हमारे गट्टे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं और गैस हम बंद कर देंगे। हमने उसी कढ़ाई में से तेल कम कर दिया है। देखिए हमारे गट्टे कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इस तेल में हम एक तेज पत्ता भी लेंगे, डालेंगे तेज पत्ता, जीरा, हरी मिर्च। अब डाल देंगे इसमें हम प्याज, प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसमें हम डाल देंगे
दालचीनी, बड़ी इलायची का पाउडर, इनको फ्राई कर लेंगे आप। हमारी प्याज भून चुकी है, अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर, इनको ही फ्राई करेंगे अब हम। अब डाल देंगे इसमें मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, इनको अच्छे से भूनने के मसाले को भी। और इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, अब डाल देंगे इसमें हम दही। देखिए हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, मसाले में तेल छोड़ दिया, अब डाल देंगे इसमें हम दही, हमें दही को अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब डाल देंगे इसमें हम चीनी, हमारी ग्रेवी अच्छी तरह पक चुकी है, तेल भी छोड़ दिया ग्रेवी ने। अब डाल देंगे इसमें हम पानी, हमने जो गट्टे उबाले थे वही बारा पानी डालेंगे इसमें हम। अब डाल देंगे हम नमक, गरम मसाला, हमको जितना इसको रसा करना है उतने हम पानी डालेंगे इसमें। अब डाल देंगे इसमें गट्टे, हमने इसमें गट्टे डाल दिए। अब इसको हम ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे, गैस को हम मीडियम रखेंगे। अब हमने इसको 10 मिनट और उबाल लिया है, देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे, देखिए तैयार है हमारी राजस्थानी गट्टे की सब्जी। देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है, इसको आप रोटी, नान, चावल किसी के भी साथ खाइए, सबके साथ अच्छी लगती है सब्जी। जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।